भगवत प्राप्त करते किंतु कलिजुगरे कल उत्तद हरि कीर्तनात्, कलिजुगरे केवल हरिनाम कीर्तन द्वारा ही से भगवत प्राप्ति करिबे। एवं ये कलिजुगटा साधारण कलिजुग नुहे, ये कलिजुग को धन्य कलिजुग कहा जाए छे। बोले धन्य कलिजुग काई कहा जाए छे? ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदाता नित्यानंद अभिर्न कलेवर श्री गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवचि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुछि। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी समस्त यथाजोग्य प्रणाम जनाउछि। आजिकार विषय वस्तु हैला श्रीमान चैतन्य महाप्रभु किए एवं सी ए जगत को काहीं आसीथिले। आमर शास्त्र रे विभिन्न गोस्वामी माने यही विषय नहीं कि बहुत बहुत किसी कथा कही, किंतु साधारण रूप में विचार करा गले महाप्रभु जी जगत को आसचंती तार विशेष चारिटी कारण यही विषय कह जाए। प्रथम कारण हैला कली युग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कली युग जो युग धर्म हैला हरिनाम संकीर्तन, तेणु ये हरिनाम संकीर्तन ये भागवत ग्रंथ रे सेठी मध्य श्री गर्गाचार्य कहते कलिजुगरे श्री चैतन्य महाप्रभु आसिगिरी यही हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करिवे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ रे मध्य प्रमाण अछि बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य गृह्णोत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। जेतेबले श्री गर्गाचार्य कृष्णकर नामकरण करुथिले सही समय रे कहिछंती बोले नंद बाबा आपणकर ए जे पुत्रटी ये साधारण नुहंती, ये प्रत्येक युगर ये अवतीर्ण हुंती। सत्य युगरे से शुक्ल वर्ण धारण करी आसतिले, त्रेतया युगरे से रक्त वर्ण धारण करी आसतिले, जेतेले कलि युग आसीबो आपणकर ए संतानटी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपरे श्री नवद्वीपरे आसिकरी से संपूर्ण विश्व को कृष्ण नाम कीर्तन द्वारा समस्त को से प्रचार एवं प्रसार करिवे। इदानी सही जे भगवान कृष्णताम गत आपणकर पुत्र रूपरे आसंती, तेणु आंकर नाम हव कृष्ण नाम हव। एवं प्रत्येक युगर जे युग धर्म विषय मध्य भागवत कहते बोले कृते यजत धायत विष्णु त्रेतया जजत मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौतद हरि कीर्तना। बोले सत्य युगर लोक माने भगवान को प्राप्त करिया पाई कृते यजत धायत विष्णु भगवान कर ध्यान द्वारा से प्राप्त करुथिले। बोले त्रेतया युगरे बोले यज्ञ करी भगवत प्राप्त करुथिले, द्वापर युगरे भगवान कर परिचर्या करी भगवत प्राप्त करुथिले, किंतु कलि युगरे कल उत्तद हरि कीर्तनात्।
कलियुगरे केवल हरिनाम कीर्तन द्वारा ऐसे भगवत प्राप्ति करिबे। एवं ए जे कलियुगटा यही कलियुग साधारण कलियुग नुहे, ये कलियुग को धन्य कलियुग कहा जाए छे। बोले धन्य कलियुग काई कहा जाए छे, कारण कौन? बोले कारण हैला धन्य कलियुगर कारण होची से ब्रह्मांकर गोटे दिन रे से ए जगत रे महाप्रभु थरी आसंती, समस्त कलियुग रे से आसंती। तेणु रूप गोस्वामी कहउछंती अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रियम। हरिः पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंदन। तेणु रूप गोस्वामी कहते अनर्पित चरिंचिरा करुणयावतीर्ण कलौ से सचिनंदन गौरहरि कलियुगरे कृपा करी अवतीर्ण हेवे। एवं अवतीर्ण होकर जगत को देवे कौन? कह अनर्पित चरिंचिरात, बोले जो प्रेम को से देले कि से देले से प्रेमटी ब्रह्माकर गोटे दिन रे थरे से प्रेमटा देले। बोले ब्रह्माकर गोटे दिन केते दिन हुए? तेणु कलियुगर परमायु कहते 432,000 वर्ष। द्वापर युगर परमायु कलियुग को दुई गण करले जा हुए। त्रेतया युगर परमायु कलियुग तीन गुण करले जा हुए। एवं सत्य युगर परमायु कलियुग को चार गुण करले जा हुए। तेणु सत्य त्रेतया द्वापर कलि ये चार युगर परमायु को एकत्रित करा हेले ताकु गोटिए चतुर्युग कहा जाए, ताकु गोटिए चतुर्युग कहा जाए। एमती हजार चतुर्युग जीवा परे एई कलियुगरे महाप्रभु थरे खाली आसंती, समस्त कलियुगरे से आसंती। तेणु यही कलियुग को धन्य कलियुग कहा जाए। तेणु यही कलियुगर एते महिमा कलियुगरे कही जन्म ग्रहण करने चाहती कहीं यही कलियुगटी अर्थ होची कली, कली अर्थ होची कलह, कली अर्थ होची झगड़ा, जोटी भाई भाई में नगर झगड़ा, जोटी परिवार परिवार झगड़ा, गाँ गाँव झगड़ा, ऑफिस रे झगड़ा, मन भीतर झगड़ा है। तेणु यही कलियुगर दुर्दशा कल बोले प्राप्ते कलियुगे घोरे नरापुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परान मुख। तेणु ये कलियुगर आसिले कौन हम? बोले प्राप्ते कलियुगे घोरा नरापुण्य विवर्जिता, लोक माने कही धर्म कर्म कही करिवेनि, पुण्य कही अर्जन करिवेनि, दुराचार रता सर्वे समस्ते से ही दुराचार रत है जीवे, सत्य बाता परान मुख। कलियुगरे कही सत्य कहेवेनि, समस्त मिथ्या कथा कहेवे। तेणु यही कलियुगरे कही जन्म नेवा को चाहती, किंतु जे कलियुगरे श्री चैतन्य महाप्रभु आसंती कहते यही कलियुगरे बोले सत्य त्रेतया द्वापर सत्य युग को कहा जाए कृतयुग। कृतयुग माने धर्म संपूर्ण चारि चरण अवस्थान करथिला। एवं त्रेतया युगरे ताको कहा जाए राम राज्य। राम राज्य माने जो युगरे आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कौनसी प्रकार दुख नथिला तंको कहा जाए अवध। अवध माने जोठे कई मर नथिले। अयोध्या जोठे केवल युद्ध न होथिला हैं। तेणु आमे उदाहरण दौचे राम राज्य। राम राज्य माने कौन? जोठे लोक माने समस्त सुख शांति जो लोक माने रहुतिले। त्रेतया युग द्वापर युगरे स्वयं पूर्ण ब्रह्म जे कृष्ण जहाँ को ब्रह्मा कहिछंती अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ को साम जन्मित्र परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा कहिछंती कृष्ण किए, बोले हे नंद बाबा ब्रह्मा कहिछंती ये कृष्ण साधारण नुहे नुहंती, तेणु ये पूर्ण ब्रह्म ये सनातन। तेणु द्वापर युगरे धर्म मध्य चार चरण रहुथिला, किंतु हेले मध्य एई जे कलियुगरे श्री चैतन्य महाप्रभु आसछंती एई कलियुगर लोक माने केवल हरिनाम कीर्तन द्वारा सत्य युगर लोक माने ध्यान द्वारा जा प्राप्त करथिले, त्रेतयार युगर लोक माने यज्ञ द्वारा जा प्राप्त करथिले, द्वापर युगर लोक माने अर्चनर द्वारा जा प्राप्त करथिले, कलियुगरे केवल नाम संकीर्तन द्वारा
সেই সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত করিবে এবং তাধারু মধ্য সে শ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত করিবে। তেণু সত্য থ্রেতে দ্বাপর যুগর লোক মানে এই কলি যুগরে জন্মগ্রহণ করা চাহুচার এবং স্বর্গর দেবতা মানে মধ্যে এই কলি যুগরে জন্মগ্রহণ করা চাহাতে কী এই কলি যুগটা হচ্ছে ধন্য কলি যুগ। মহাপ্রভু কেবল হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা মহাপ্রভু কৌঁচ আপনার পাখে যদি মৃদঙ্গ যদি গিনি থাকে বহুত ভালো কথা, যদি সেইটা মধ্যে না থাকে তাহলে বাজা ইয়া করতাড়ি, কেবল করতাড়ি মানে কর মানে হাত, তাড়ি মানে তাড়ি, কেবল তাড়ি বজাইকি যদি টিকি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে যদি এতি কুহা যায় তা দ্বারা কোন প্রাপ্ত হব, রাধারাণীকর নিকুঞ্জ সেবা মহাপ্রভুঙ্কর নিত্য ধাম ভগবত ধাম প্রাপ্ত হব। তেণু এই কলিযুগটি সাধারণ কলিযুগ নুহ, এই কলিযুগটি হচ্ছে ধন্য কলিযুগ। তেণু চৈতন্য মহাপ্রভু তেণু এই সংসারকু আসিলে এই কলিযুগের যে হরিনাম সংকীর্তনকু প্রচার প্রসার করা আসিলে এবং তাঙ্কর ভবিষ্যৎবাণী লা পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, অর্থ হচ্ছে দিনে এমতি আসব কলি যুগরে সম্পূর্ণ পৃথিবীরে গলি গলিরে সহর সহরে গ্রাম গ্রামে ভগবানকর মহাপ্রভুঙ্কর নাম রাধা কৃষ্ণকর প্রেম জগন্নাথকর ভক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বরে প্রচার প্রসার হব এবং সমস্তে সুখী হয়েকি সেই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইবে। তেমন আপনার মানে এই মধ্যে দেখবে সম্পূর্ণ কিভাবে লন্ডন ফ্রান্স জার্মানি আমেরিকা রশিয়া এমিতি কোণী কন্ট্রি না দেশ না যে দেশের লোক মানে এই গলায় তুলসী মালা পিধি চৈতন্য এবং তিলক লগাইকি মহামন্ত্র জপ করু না এমিতি কোণী কেন রাজ্য না, এটা হচ্ছে মহাপ্রভুঙ্কর বিশেষ অবদান। তেণু এই কলিযুগের যে জন্মগ্রহণ করছেন জন্মগ্রহণ করি মহাপ্রভু ধারে অভিষিক্ত হয়েছেন সে সাধারণ লোক নুহতে, তেণু আপনার সমস্ত চেষ্টা করবে মহাপ্রভু ধারে অভিষিক্ত হই এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কলিযুগর মহামন্ত্র এই মহামন্ত্রক জপ করা বলে নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, বলে শ্রী সচ্চিদানন্দন গৌর হরি কি, শিল প্রভুপাদ কি, বলে শ্রী গুরুপাদ পদ্ম কি, জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন চক্র কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি।